साथियों आप सभी का स्वागत है वन दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं अदर स्टेट में जो फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है वन दरोगा का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन मैंने हरियाणा में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था जो है वन दरोगा का फॉरेस्टर का, वहाँ से लिए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। क्वेश्चंस का पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, वरना बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ द टोटल ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पे जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% कितने 33% एरिया पे क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। सेकेंड तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान। इसका आंसर आप मुझे देंगे, लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करो भी इसका आंसर अगर आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट प्लस एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट टुगेदर इज कॉल्ड, यानी कृषि वन और पशुपालन को एक साथ इसके मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है। तो इन तीनों के एक साथ मैनेजमेंट को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट पास्चर सिस्टम, यानी कि वन चारागाह पद्धति। इसमें फॉरेस्ट भी आ गया, चारागाह भी आ गया और क्या भी आ गया, कृषि भी आ गई, सभी कुछ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक, हल्दी का वैज्ञानिक नाम। तो टर्मरिक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्या, करक्यूमा लौंगा। क्या, करक्यूमा लौंगा जो है हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक, बार बार पूछेंगे क्या इसको। नेक्स्ट देखो कि विच फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज मंकी फ्रूट, कौन सा फल मंकी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है आपको, जो वुड एप्पल है, कौन सा जो वुड एप्पल होता है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा वुड एप्पल, जैसे बेल गिरी भी कहा जाता है, जो बेल का जूस आप पीते हैं, कई बार आपने देखा होगा बड़ा सा तरबूज के जैसा होता है बेल का जूस जब जो होता है उसको वुड एप्पल कहा जाता है, और उस फल को जो है मंकी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है कि क्या है ये सेंक्रस सेटिग्रस इज द नेम गिवन टू, सेंक्रस सेटिग्रस किसका नाम है। तो सेंक्रस सेटिग्रस एक ग्रास होता है, घास होता है। अब चारों ऑप्शन ग्रास के हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा जो धमन ग्रास होता है, वो सेंक्रस सेटिग्रस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन कि द रेमी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो यानी रेमी विश्व की सबसे पुरानी फसल है, किस संबंधित है वो। तो विश्व की सबसे पुरानी जो रेमी फसल है वो फाइबर की फसल है, किसकी फसल है, रेशे की फसल होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेसिया सेंगेला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, एकेसिया सेनेगल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये है किसका, कुमट का, किसका, कुमट का जो है एकेसिया सेनेगल जो है साइंटिफिक नेम होता है। कुमट एक तरह का फ्लावर होता है, एक छोटा सा फ्लावर होता है, जनरली ये एक्वेटिक फ्लावर है, पानी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड द फोर्थ कमिंग वाटर एस्करेसिटी द इफेक्टिव मेजर्स विल बी, आगामी जल संकट को ध्यान में रखते हुए कारगर उपयोग होगा, क्या होगा कारगर उपयोग, फाइटो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन,
कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होगा, सभी इसके लिए ट्रू होंगे, ऑल ऑफ द अबव ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि लाख की खेती, यानी लाख की खेती के लिए कौन सा पौधा उपयुक्त होता है, तो लाख की खेती के लिए सभी पौधे, बेरी का भी, पलाश का भी और कुसुम का भी, ये तीनों पौधे उपयुक्त होते हैं। लाख क्या होता है, जो लाख का एक तरह का फाइबर होता है जिससे हमें फाइबर मिलता है, जैसे कि रेशम होता है ना, वैसे लाख से भी हमें फाइबर ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द स्पीसीज यूजफुल फॉर द पेपर इंडस्ट्री, यानी कागज उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली प्रजाति कौन सी है, तो जो सारा का, आसोका और एकेसिया मैंजियम, ये दोनों जो ये नहीं, सी कौन सा, पॉपुलस डोल्टस, ये जो बी और सी दोनों स्पीसीज हैं, ये दोनों पेपर इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया होल्ड द डैश पोजिशन इन द पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, बनाना, पोमिग्रेनेट, चीकू एंड आमला इन द वर्ल्ड, यानी बोल रहा है कि आमला, केला, चीकू, अनार और इनके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इनका उत्पादन कौन सा है, फर्स्ट पोजिशन है भारत का इन सभी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द वेस्टलैंड डेवलपमेंट जर्नल, वेस्टलैंड डेवलपमेंट जर्नल जो पत्रिका है उसे कौन प्रकाशित करता है, तो जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट पत्रिका है उसे कौन प्रकाशित करता है, अच्छा इसपे नॉमिनेट किया नहीं है, तो अभी जरा इस पर स्टार लगाना, इसको जरा चेक करके बताते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच इज द प्रॉपर टाइम टू ट्रांसप्लांटेशन, प्लांट्स के ट्रांसप्लांटेशन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो वो होता है नवंबर से लेकर दिसंबर का, यानी ऑप्शन नंबर सी नवंबर टू दिसंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ सुबाबुल ट्री, जो सुबाबुल ट्री होता है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, तो इसका उत्पत्ति स्थान जनरली मैक्सिको और अमेरिका में माना जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिको दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिटेड द बुक एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स इन द ट्रॉपिक्स, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन ट्रॉपिक्स किसके द्वारा संपादित पुस्तक है, तो आपको लिखना है इसका करेक्ट आंसर है जो डॉक्टर पी के नायर हैं, पी के नायर ने एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स इन द ट्रॉपिक्स नामक बुक को संपादित किया था, ठीक है। तो ये था आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।